वेरी मच अतुल जी, आपने समय फिर से निकाला। सर, आपके सेक्टर को लेकर आज मैडम ने कुछ ज्यादा बोला नहीं, ऐसा क्यों सर? आई डोंट नो, शुगर सेक्टर पे वैसे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इसमें अनाउंसमेंट होएगा, क्योंकि बाय एंड लार्ज जितने भी डिसीजन होते हैं ना आजकल एडमिनिस्ट्रेटिवली ले लिए जाते हैं। हाँ। पर जहां तक इस बजट का सवाल है, मैं समझता हूँ ऑन द प्रोडक्टिविटी जो इन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि एक प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेंगे और एग्री रिसर्च पे फोकस रहेगा, मैं समझता हूँ ये काफी अहम वो है स्टेप। एंड सेकेंडली, जो हम लोगों की ऑयल सीड इंडस्ट्री की बहुत दिनों से डिमांड थी कि आप नेशनल मिशन को लॉन्च करें, और पल्सेस में भी नेशनल मिशन लॉन्च किया है, तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेटली गेम चेंजिंग है। आने वाले दिनों में इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनने में। और एक और चीज जिसको ज्यादा मैंने सुना नहीं है बातचीत किसी भी एनालिस्ट को करते हुए, वो है लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन। तो ये मैं समझता हूँ काफी गेम चेंजिंग हो सकता है आने वाले सालों में, अगर ये पूरा कार्यान्वित हो गया। तो मैं समझता हूँ ये कुछ एक एक्शंस हैं। बस लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कि आज 1.25 लाख करोड़ से 1.52 लाख करोड़ का जो एलोकेशन बढ़ाया है एग्री सेक्टर को, तो ये शो करता है कि गवर्नमेंट इज फोकस्ड कि एग्री सेक्टर को वापस मतलब बाउंस बैक कराया जाए। जो आज 18% के आसपास कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, तो ये एटलीस्ट 20 से तो ऊपर जाए। और जो 1.4% की ग्रोथ रेट रही है पिछले साल, तो वो डेफिनेटली इट इज रिंगिंग अलार्म बेल्स। तो उसका मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया है, तो उस हिसाब से वेलकम करते हैं हम लोग इस बजट को। नहीं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बात नहीं, आज नहीं मैडम ने आपको याद किया, लेकिन आपको साल भर मैडम याद करती है। आप सोचो, कभी भी शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ाओ, कभी घटाओ, कभी एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाओ। बताओ, नए नए मिनिस्टर साहब आए थे पुरी जी, वो भी कह रहे थे भी 25% ब्लेंडिंग कर देनी चाहिए। बताओ, वो भी थे आपको फर्स्ट डे याद कर रहे थे। तो जरूरी नहीं है, आज भूल गई मैडम, कोई बात नहीं, तो कभी और मौका सही। ठीक है सर, आपके मुंह में घी और शक्कर दोनों। सर, शुगर फ्री वाली शक्कर देना, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरे बता दूं, करीब 800 पॉइंट की गिरावट है बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस हो चुका है निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी रुका हुआ बट बैंक निफ्टी टूट रहा है। अक्षय, ऐसा क्यों हो रहा है? जितना मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो बजट में बैंक्स के लिए कुछ बात हुई नहीं है। सेकेंडली, अगर आप लेवल्स भी फॉलो करें, 52,000 जो है बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही एक अहम स्तर था। करेंट मार्केट आप रीडिंग देखें तो बैंक निफ्टी वो सपोर्ट तोड़ चुका है। तो 52,000 का जो सपोर्ट था, 8-10 दिन का कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेक एक नेगेटिव प्राइस रीडिंग है फॉर डे ट्रेडिंग या कैरी फॉरवर्ड ट्रेडिंग। तो जब तक 52,000 कम से कम अभी यहाँ से रिकवर ना करे, तो एक ब्रेकडाउन है, नेगेटिव एक डेवलपमेंट है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से। और इजिली 51,000 या 50,800, ये दो टारगेट आपके बैंक निफ्टी में जल्द आ सकते हैं। और अब देखें तो प्राइवेट बैंकों में काफी बिकवाली है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और बजट में इनकी कोई लेन देन है नहीं, अभी तक कुछ बातें नहीं हुई है। तो ओवरऑल कुल मिला के टेक्निकल लेवल टूटा है, कोई बजट से आया नहीं है, तो नेगेटिव मान के चल रहे हैं हम बैंक निफ्टी में। तो सेल करने की राय रहेगी बैंक निफ्टी। ठीक है, मेरा थोड़ा एक पॉइंट और भी है कि 31 तारीख के इस बार डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो उसका समय भी ज्यादा है, इसको तोड़फोड़ अभी और की जा सकती है, जबकि निफ्टी 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा।